तो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? ऑल गुड? क्या बात है, टेंशन हो रही है? थोड़ा थोड़ा दुब 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 लुप लुप हो रहा है क्या? कुछ मन में टेंशन हो रही है, एग्जाम्स को देख के लग रहा है यार कल क्या होने वाला है। जिनके इंटर के एग्जाम्स है वो सोच रहे हैं यार परसों क्या होने वाला है। अकाउंट्स में, FR में, रिविजन में फुल टू बिजी है अपन, टेंशन हो रही है। एक बात बताओ, हमने पूरी तैयारी करी है क्या? अपनी तरफ से जितना दे सकते थे इन आने वाले पिछले 3 महीने 6 महीने में, हम जितना अपनी तरफ से झोंक सकते थे हमने सब कुछ दिया है क्या? अपना हर एक कीमती मोमेंट, हर एक खुशियाँ, हर एक अच्छा मोमेंट जहाँ पे हम फैमिली के साथ एंजॉय कर सकता था, दोस्तों के साथ घूम सकता था, फोन पे बातें कर सकता था, मैंने क्या किया? मैंने अपना पूरा टाइम सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई पे दिया दिया है ना। तो जब इतने टाइम में हमने उस समय ये नहीं सोचा कि यार आगे आने में क्या होने वाला है, तो फिर अभी सोच के क्या फायदा? सोचने से सिर्फ टाइम वेस्ट होता है, और अब टाइम बचा है सिर्फ करने का। जिन लोगों के कल FR के पेपर है, मैं मानता हूँ, आप मानो या ना मानो, मैं मानता हूँ आपने बहुत अच्छी तैयारी करी है, आपने अपनी पूरी जान झोंकी है उसमें, हर एक कीमती मोमेंट, हर एक स्पेसिफिक टाइम सब कुछ दिया है उसको, अपना खाना छोड़ा है, कभी अपनी नींद छोड़ी है, सब कुछ त्याग के जब आप इस लेवल तक पहुंच गए हो ना, तो ऑब्वियसली 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 अब आप आने वाले, देखो आने वाले जो हमारे पास 2 हफ्ते हैं, पूरी दुनिया के लिए, आप लोगों के अलावा पूरी दुनिया के लिए एक नॉर्मल 2 हफ्तों की तरह गुजरने वाले हैं। ये बात मैंने अपने आप को बोली थी कि आने वाले 2 हफ्ते पूरी दुनिया के लिए नॉर्मल 2 हफ्ते की तरह गुजरने वाले हैं, पर हम CA स्टूडेंट्स के लिए ये 2 हफ्ते हमारी जिंदगी बदल के रख देने वाले हैं। जो फाइनल्स में हैं ऑब्वियसली इन 2 हफ्तों के बाद क्लियर करके चार्टर्ड अकाउंटेंट बन जाएंगे। वैसे आप लोगों को पता है मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट बना हूँ, मेरे अभी फेलिसिटेशन है 4 तारीख को। सोचिए, कुछ जस्ट एक अटेम्प्ट पहले मैं इसी 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 पॉइंट पे ये सोच रहा था कि यार क्या होगा, और अब देख लो एग्जाम्स आप लोगों के और मैं अपने फेलिसिटेशन का वेट कर रहा हूँ। तो गाइज, इससे बड़ा मोटिवेशन हमारे लिए, हमारे फेलिसिटेशन से बड़ा मोटिवेशन हमारे लिए कुछ भी नहीं हो सकता। जस्ट ये सोचो कि 6 महीने बाद, जस्ट 6 महीने बाद कोई और पेपर दे रहा होगा और आप किसी चीज की तैयारी कर रहे होंगे अपने फेलिसिटेशन में जाने की, CA की डिग्री मिलने की, अवार्ड मिलने की। तो बिल्कुल 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 भी टेंशन मत लो। ये सब बोलेंगे कि टेंशन मत लो, पर मैं ये बोलना चाहता हूँ टेंशन इसलिए मत लो, टेंशन इसलिए मत लो क्योंकि आपको अपने आने वाले टाइम को फुल फोकस करना है। दिमाग को एक घोड़े की तरह, घोड़े का दिमाग देखते हैं नाल बंदी रहती है, पाँव में नाल और आंखों के आगे पट्टी बंधी रहती है, क्यों? क्योंकि उसका फोकस सिर्फ एक है, भागना, और जीत के लिए भागना। और अपना हमारा काम क्या है, सिर्फ और सिर्फ इन 2 हफ्तों में, आगे वाले 2 हफ्तों में आपको एक ही चीज करनी है, जिस सब्जेक्ट का एग्जाम है उसका सब कुछ अपने दिमाग में रखना है। उसके अलावा तो कुछ जानना ही नहीं। अगर कोई मेरे से पूछ लिया, मेरे दोस्त को, देखिए भाई तू कौन है, कभी देखा ही नहीं इस आदमी को, इस लेवल का डेडिकेशन अपने को चाहिए। सिर्फ और सिर्फ इतना फोकस करना है। मुझे पता है आप लोग बहुत अच्छे से फोड़ के आने वाले हो। अच्छा एक बात बताऊं, कुछ टिप्स है मेरे पास आप लोगों को देने के लिए, वो मैं देना चाहता हूँ। मैंने सोचा कि यार लास्ट टाइम है, ज़्यादा लंबी वीडियो करेंगे नहीं, 5 मिनट के अंदर अंदर आप लोगों को फटाफट से वो टिप्स देते हैं अपन, और उसके बाद आप लोग अपने एग्जाम को अच्छे से एक्सेल करके आओ। सबसे पहला सबसे पहला सबसे पहला सबसे इंपॉर्टेंट टिप, टेंशन मत लो। टेंशन इसलिए मत लो क्योंकि आपने जो करना था, दुनिया जहान ने जो करना था, भगवान जी ने जो करना था, वो अब कर चुके हैं। अब पेपर सेट हो चुका है, आपकी तैयारी ऑलमोस्ट हो चुकी है। इस चीज पे बिल्कुल फोकस मत करना कि कितना हम छोड़ के गए। अरे मान लो मैं 80% ही छोड़ के जा रहा हूँ, 20% तो करके जा रहा हूँ ना, पर आज के टाइम पे आपको भी उस 20% पे ही फोकस रखना है। 80% का जो होगा देखा जाएगा। और मुझे पता है 80% तो नहीं छोड़ा होगा यार, अपन ने 20% छोड़ा होगा, 10% छोड़ा होगा, 5% छोड़ा होगा। तो जो छोड़ा है उस पर फोकस मत करो, जितना पढ़ा है उस पे फोकस रखो, सिर्फ उसको पूरा रिवाइज करने की कोशिश करो। मैं आप लोगों को ना एक बहुत अच्छी एग्जाम्पल देता हूँ। मेरे भाई ने जब वो अपना इंटर का एग्जाम्स अभी जब उसने दिए थे, 100 नंबर की पेपर की जगह ना, उसने पता है, उसने जब देखा पेपर, उसे सिर्फ 90 नंबर का पेपर आ रहा था। उसने पता है क्या दिमाग लगाया, वो बोला यार मैं 80 का ही करके आने वाला हूँ। अकाउंट्स के पेपर की बात करूँ, उसने बोल दिया था मैं 80 नंबर का ही पेपर करके आने वाला हूँ, क्योंकि इस 80 नंबर के पेपर को मैं अच्छे से कर सकता हूँ फुल टाइम देखे। भाई ने उस 80 नंबर के पेपर को सॉल्व किया है आराम से 3 घंटे के अंदर, एंड ही सिक्योर्ड 72 मार्क्स, क्योंकि वो श्योर था कि 80 का पेपर मेरे को बहुत अच्छे से आता है। तो अगर आपको पेपर नहीं भी आ रहा ना, तो भी डरने की जरूरत नहीं है, जितना आ रहा है
उतने को भी अच्छे से करके आओगे आप, बहुत 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 बढ़िया सिक्योर कर सकते हो यार। 72 कम मार्क्स नहीं है, बहुत अच्छे मार्क्स है। सेकेंड टिप, जब भी आप एग्जाम हॉल से वापस आने वाले हो, एग्जाम हॉल से वापस आने के बाद उस पेपर को, उस सब्जेक्ट को सोचना ही नहीं है दिमाग में। मतलब जब मैं एफआर का पेपर देके निकलूंगा, जब आप इंटर अकाउंट्स का पेपर देके निकलोगे, कोई मेरे से पूछे ना यार एफआर क्या होता है, भैया ये किस चिड़िया का नाम है, मैंने कभी एफआर सुना ही नहीं, एफआर होता क्या है, एफआर देखा ही नहीं कभी जिंदगी में, किस टीचर से पढ़ा, क्या पढ़ा, एफआर क्या होता है, एफ क्या होता है, आर क्या होता है, कभी नहीं सुना। अगले एग्जाम पे फोकस करना है। कोई अगर गलती से भी रोक के बोले ना, भाई ये पेपर डिस्कस किया था क्या, ये क्वेश्चन किया था क्या, कौन तू, कौन तू, कौन एफ आर कौन, मैं किसी को नहीं जानता, सिर्फ अगले पेपर को जानता, और जानते भी सिर्फ अगले पेपर को, उसके आगे आने वाले पेपर के बारे में नहीं सोचना है कि क्या करना है, सिर्फ अगले पेपर पे फोकस होना है। सेकेंड टिप। अब हमारे पास थर्ड टिप, जो कि बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट टिप है, एग्जाम में अपना 15 मिनट जो मिलता है उसको कैसे यूटिलाइज करें। इस 15 मिनट पे हमारा सिर्फ एक फोकस, पता है क्या, मैं क्या करता था इस क्वेश्चन में, पहला क्वेश्चन तो कोई भी नहीं देखता, आप भी मत देखा करो, ठीक है, सबसे पहले टिप बता रहा हूँ, बिल्कुल भी नहीं देखना पहला क्वेश्चन, क्योंकि वो कंपल्सरी वो तो करना ही है। फटाफट सेकंड क्वेश्चन पे आ जाओ। पता है लोग आपको सीधा ये बोलेंगे कि हमें सिर्फ ये फाइंड आउट करना है कि एक क्वेश्चन कौन सा ड्रॉप करना है, पर ये कैसे फाइंड आउट करें ये मैं बताता हूँ। देखो सबसे पहले टिक करना, क्वेश्चन पिक करो, पढ़ो, यार ये पढ़ा हुआ है, सिर्फ इतना करना है, सिर्फ दिमाग में इतना लाना है, यार ये मेरा देखा हुआ है, हाँ देखा हुआ है, देखा हुआ है, देखा हुआ है, देखा हुआ है। अगर कोई नहीं देखा होता ना, कोई क्वेश्चन नहीं देखा हुआ, जैसे मान लो 2 3 2 का ABCD आया था, बी अपना नहीं देखा हुआ, तो उसको रेड से मार्क कर दो, देख लो मेरे कितने मार्क्स कट रहे हैं, 4 नंबर कट रहे हैं, ठीक है चलो। 3 पढ़ा, 3 में सब कुछ आता है, 4 पढ़ा, 4 में सब कुछ आता है, डन। 5 में देखा, 5 में डी पार्ट नहीं आता, वो 5 नंबर का आया है, तो मार्क कर लो 5 नंबर, ठीक है। फिर 5th पढ़ा, 6th पढ़ा, डन, सब कुछ ऐसे किया। अब देखो मैंने दो दो क्वेश्चन मार्क किए, एक क्वेश्चन जिसमें मेरे को 4 नंबर का नहीं आता, एक क्वेश्चन जिसमें मेरे को 5 नंबर का नहीं आता, तो ऑब्वियसली कौन सा छोड़ के आऊंगा, 5 नंबर वाला छोड़ के आऊंगा ना। इसीलिए ये एक टिप होती है कि मार्क करके रख लो यार कौन सा नहीं आ रहा है, जो ज्यादा नंबर का नहीं आ रहा है वो वाला क्वेश्चन ड्रॉप कर देंगे। अब एक और टिप ये कि उन क्वेश्चंस को तो ऑब्वियसली ट्राई करना बनाने की जिनमें छोटे 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 मार्क्स के होते हैं। जैसे कोई क्वेश्चन आएगा ना अगर आपके पास, जो आपको देखेंगे 2+3 ऐसे करके दिया हुआ है, 2+2+1 ऐसे करके मार्क्स दिए हुए, उन क्वेश्चन को बनाना। क्यों बनाना, क्योंकि यार 2 नंबर के लिए ना अपने को ज्यादा नहीं लिखना होता, बहुत कम लिखना होता है, और फटाफट लिख दोगे ना तो क्वेश्चंस फटाफट सॉल्व हो जाते हैं, और उन क्वेश्चंस को मार्क करके रखना, खासकर कि वो लास्ट में ही करने वाला हूं मैं। क्योंकि मान लो अगर अपने 5 नंबर का बड़ा क्वेश्चन लास्ट के लिए छोड़ा, नहीं बन पाया, तो अपने नंबर कट जाएंगे, पर ऐसा क्वेश्चन आपने लास्ट के लिए छोड़ा, एक पार्ट कर दिया 2 नंबर मिल गए, एक पार्ट कर दिया 1 नंबर मिल गए, छूटा कितना, 2 नंबर का छूटा ना, पूरा क्वेश्चन तो नहीं छूटा, डर तो नहीं रहेगा अपने दिमाग में, समझ में आया, ये ट्रिक करके आ। 3 टिप ये। चौथा टिप, अपने पानी, जो हमें पानी मिलता है ना एग्जाम हॉल में, सबको मिलता है, आईसीए की तरफ से अपन लेके भी जाते हैं, उस पानी को कितने अच्छे से यूटिलाइज करना है मैं आपको बताता हूँ। जब मैं अपने एग्जाम्स देता ना, इंटर के भी और फाइनल के भी, मैंने एक टेक्निक पूरी बांध रखी थी। सबसे पहला पानी मैं तब पीता था जब पेपर बट रहा होता था, ठीक है, क्योंकि उस टाइम पे टेंशन होता है, मेरे को माथा कूल डाउन करने की जरूरत होती है। सबसे पहला पानी अपन ने तब पिया, उसके बाद मैंने पूरा क्वेश्चन पढ़ा, जस्ट स्टार्ट करने से पहले थोड़ा पानी, इतना भी मत पी लेना कि वॉशरूम ब्रेक लग जाए अपने को, ठीक है चल। उसके बाद डन, सब कुछ कर लिया अपन ने, उसके बाद नॉन स्टॉप 1.5 घंटे तक लिखना है, मेरा फुल फोकस होता था, 1.5 घंटे सिर्फ मेरे नजर ऐसे रहेगी और ये बस यही चलता रहेगा, इसके अलावा कुछ भी नहीं। 1.5 घंटे के बाद जब मेरे 2-2.5 क्वेश्चन हो जाते थे, मैं उठता था, पानी पीता था, पानी क्योंकि सामने हमारे पास डेस्क पे अवेलेबल होता था, जाता था बॉटल लेके आता था, आराम से पीता था, उसके बाद 1 मिनट या 2 मिनट का मेरा ब्रेक होता था, वो सिर्फ 1 मिनट का ब्रेक, मैक्स में कोशिश करता था 1 मिनट का ब्रेक। उस 1 मिनट में मैं एनालाइज करता था, मैंने कितने मार्क्स का कर लिया है, मेरा कितना बचा है, और अब मेरे को किस स्पीड से लिखना है। ये 1 मिनट का ब्रेक ऐसे नहीं पानी पिया भैया सांस लिया, ऐसे नहीं, ये 1 मिनट का ब्रेक है एनालाइज करने के लिए कि अब मेरी अगली स्ट्रेटेजी क्या होने वाली है अगले 1.5 घंटे के लिए। ये पानी ब्रेक उसके लिए होता है, 1 ग्लास पानी पिया अपना, आराम से स्ट्रेटेजी फाइनलाइज कर दी कि यार मेरे को ऐसे करना है, ऐसे करना है, डन। फिर उसके बाद अगले 1.5 घंटे लग गया घोड़े की स्पीड पे, फटाफट 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 फटाफट, जैसे प्लान किया था उस प्लान के अकॉर्डिंग फुल यूटिलाइज करना है। इस तरीके से अपना प्रॉपर टाइम हम यूटिलाइज कर सकते हैं। और पता है हमेशा हम एक चीज, पता है, गलती करते हैं, ये 5th टिप है हमारी और लास्ट टिप है, जिसमें हम ये कोशिश करते हैं यार 180 मिनट मिलते हैं 100 नंबर के लिए, तो 1 नंबर के लिए 1.8, एकदम गलत। आप यहीं पे सबसे पहली और सबसे बड़ी गलती तो यहीं पे करके आ रहे हो। हमेशा कोशिश करो कि 180 नहीं 170 मिनट, वो 70 मिनट तुम्हारी जिंदगी
तुमसे कोई नहीं छीन सकता। ये 170 मिनट क्यों? क्योंकि यार 10 मिनट का ना थोड़ा टाइम तो अपना इधर उधर, जैसे 1-2 मिनट पानी ब्रेक पे गए, 1 मिनट किसी और चीज में चले गए, या 5 मिनट अपने को वो नहीं होता एग्जाम खत्म होने वाला था धागा बांधने के लिए, पहले ही सिर पे चढ़े आते हैं धागा ले लो धागा वो आते हैं ना, एक उसमें हमारा टाइम जाता है। और लास्ट के 5 मिनट तो थोड़ा रीडिंग के लिए या जो कुछ क्वेश्चन अपन ने छोड़ा उसके लिए चाहिए होता है ना, तो 10 मिनट छोड़ के चलो हमेशा हमेशा प्लान करो कि 1.7 मिनट एक नंबर के लिए, उस हिसाब से हमेशा अपनी टाइमिंग मेंटेन करके रखो। कभी किसी में ज्यादा टाइम लग रहा है तो फोकस करके ये भी रखना। देखो एक चीज और मैं आपको बता दूं कि कभी भी ऐसा नहीं होगा कि 1.7 तो हर क्वेश्चन में ही एक नंबर के लिए 1.7 मिनट लगने वाला है, किसी में कम टाइम भी लगेगा किसी में ज्यादा भी लगेगा। इसीलिए मैंने बोला था उस 1.5 घंटे के ब्रेक के बाद मेरे को एनालाइज करना पड़ेगा मैंने कितना लिख लिया, कितना लिखना है और किस स्पीड पे लिखना है। ठीक है, समझ में आ गया? समझ में आ गया, बहुत ज्यादा अच्छे। तो हमेशा 1.7 प्लान करके चलना, मेरे को 170 मिनट ही मिला हुआ है। और सबसे लास्ट और सबसे अल्टीमेट टिप जो बोलने की शायद जरूरत नहीं होनी चाहिए, सबसे पहले वो क्वेश्चन करेंगे, जरूरी नहीं जो मुझे पूरा आता हो, जिसने भी ये सुना है गलत सुना है, सबसे पहले वो क्वेश्चन करूंगा मैं जो भले ही मुझे आधा आता हो लेकिन सबसे बेस्ट आता हो। क्योंकि सबसे बेस्ट क्वेश्चन अगर मैंने सबसे पहले पिक किया ना, सुनो फिर से, सबसे बेस्ट क्वेश्चन सबसे पहले पिक किया ना, तो एक तो क्योंकि मुझे वो आता है तो मेरी राइटिंग स्पीड तेज रहेगी। सबसे पहले मैं अपने सबको बताता हूँ कि अपनी राइटिंग स्पीड तेज नहीं बन पाती, हाथ जमे हुए रहते हैं ना, अपने हाथ को खोलना पड़ता है। तो पहला क्वेश्चन आता हुआ पिक करोगे तो हाथ धीरे 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 खुल जाएगा, और अगले जैसे मार्क्स पे आने लगोगे तो हाथ अपने आप तेज बढ़ने लग जाएगा। इसीलिए सबसे पहले अगर मान लो 20 नंबर का जो पूरा एक क्वेश्चन होता है वो पिक कर रहे हो, तो वो पार्ट पिक करना जिसका एटलीस्ट मुझे पूरा नहीं भी आता हो, 12 नंबर 13 नंबर 15 नंबर मुझे डन अच्छे से आते हो, तो वो पिक कर लूंगा ना, तो बहुत 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 ज्यादा अपने मोटिवेशन मिल जाएगा। पहले ही मैंने ऐसा किया था अपने क्वेश्चंस में, और पहला क्वेश्चन पता है, पहला ही क्वेश्चन मैंने 20 नंबर का को कोई पिक किया था जो मुझे पूरा आता था, मैंने 20 मिनट में उसको सॉल्व कर लिया था। यकीन मानोगे 20 मिनट के अंदर मैं 20 मार्क्स करके बैठा हुआ था, कितना बड़ा मुझे एडवांटेज मिला होगा कि मुझे 80 नंबर के लिए अब सिर्फ इतना ज्यादा टाइम मिला हुआ है। ये होता है मोटिवेशन का फायदा। ऐसे रैंक्स आती है, ऐसे रैंकर्स पढ़ते हैं, ऐसे रैंकर्स पढ़ाई नहीं, ऐसे रैंकर्स एग्जाम देते हैं। तो हमेशा ये अप्रोच दिमाग में लेके चलनी है। और फिर से सबसे बड़ा हमारा एविल 2 लोग होने वाले हैं। कौन कौन से? एक वो जो हमसे एग्जाम्स के बाद हमारा क्वेश्चन पेपर डिस्कस करने वाले हैं, और दूसरा हमारा दिमाग जो ये बोलने वाला है यार इसका आंसर एक बार पलट के चेक कर लूंगा क्या लिख क्या है, खुशी मिल जाएगी। अरे खुशी नहीं मिलेगी, गलती से भी वो गलत हो गया ना, उसका गिल्ट क्या होता है मेरे से पूछो, मैं ये कर चुका हूँ, जो कर चुका हूँ वो बता रहा हूँ, गलती से भी मत करना। कितना ही दिमाग बोले पानी पी लो पढ़ने लग जाओ सो लो खुद को थप्पड़ मार लो, लेकिन कभी भी पलट के क्वेश्चन नहीं देखना है। ठीक है, पीछे गई हुई चीजों को कभी पलट के नहीं देखा जाता। ठीक है, बस अब फोकस सिर्फ और सिर्फ अपनी हैंड राइटिंग की स्पीड पे। हैंड राइटिंग में कोई साफ लिखने की जरूरत नहीं है, इतना कि दिख जाए सामने को, वो भी नहीं कि कीड़े मकोड़ों की तरह लिख दिया, इतना कि सामने वाले को साफ से दिख जाए, नंबर्स विजिबल हो, बस अच्छे से लिख के आना है, स्पीड से लिख के आना है, खुशी से पेपर दे के आना है। अगर खुशी से पेपर दे दिए ना, मार्क्स तो अपने डन झक मार के पीछे आने वाले हैं। तो ऑल द वेरी बेस्ट, बहुत अच्छे से पेपर दो, एकदम खुशी से पेपर दो, आपने बहुत बिंदास तैयारी करी है, टेंशन देने वाली कोई बात नहीं है जितनी। और मैं एक ट्रिक चलो आप लोगों को बताता हूँ, जो आपने लिखा है ना जितना पढ़ा है आपने लिख लो उतने में से ही पेपर आने वाला है। मैं कह रहा हूँ ना, आपका अमित भाई कह रहा है ना, उतने में से ही पेपर आने वाला है और आप फोड़ के आने वाले हो, मैं यकीन कर रहा हूँ। कल दे के आओगे ना डन पेपर, यकीन मान लेना। और एक लास्ट टिप रह गई है, अगर पेपर बहुत अच्छा चला जाए ना, उसकी ओवर एक्साइटमेंट में वो जो 1.5 दिन से पहले आधा दिन मिलता है ना, उसको बर्बाद मत कर देना भैया। हमें एक नहीं, मैंने पता है लेटेस्ट अभी एक स्टूडेंट से बात करी तो उसको बोला हमें एक नहीं हमें 8 लड़ाइयां लड़नी है, 8 लड़ाइयां एक साथ वो जीतेंगे, पहला पड़ाव दूसरा तीसरा चौथा आठवां पड़ाव। केबीसी में भी 8वें पड़ाव के बाद ही अपन 1 करोड़ के लेवल पे पहुंचते हैं, तो 8 लड़ाइयां लड़के ही अपन जीतने वाले हैं। इसीलिए गाइस फोकस, ऑल द बेस्ट, अच्छे से पेपर देना, खुशी से देना, और कोई भी दिक्कत हो नीचे टेलीग्राम पे पिंग करो। खैर अब तो हमारे एग्जाम्स आ गए, तो जल्दी से पेपर दे लो, उसके बाद अपन टेलीग्राम पे पिंग करके एक ग्रुप मीटिंग रखते हैं और डिस्कस करेंगे उसके बाद कितने घंटे सोना है, कितने घंटे मूवीज देखनी है, क्या क्या खाना है, किधर किधर से खाना है और कैसे मस्ती करनी है। ठीक है गाइज, ऑल द बेस्ट। सिर्फ 2 हफ्ते जिंदगी के सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, अपन लोगों के लिए सबसे इंपॉर्टेंट 2 हफ्ते। ओके गाइज,
2 हफ्ते वी फॉर विक्ट्री अच्छे से देखे आना। बाय बाय गाइस, ऑल द वेरी बेस्ट।